जो फेज वन में भी आया था, ऑन अ ड्राई रोड द मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ऑफ कार इन अ सर्कुलर पाथ इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड इज 5√2 मीटर पर सेकेंड ऑन वेट सरफेस ऑफ द सेम रोड। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ड्राई रोड इज न्यू देन दैट फॉर द वेट रोड इज। यार बड़ा ही टेक्निकल सवाल है। देखो हो क्या रहा है कि न्यू वन है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो ड्राई रोड पे, और हम ये कर रहे हैं कि देखो ड्राई रोड पे गाड़ी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, अच्छा वेट रोड पे उसकी स्पीड 5√2 हो गई। क्यों भाई? इसका मतलब है फ्रिक्शन का फ़र्क है। तो कह ये रहे हैं कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ड्राई का न्यू है तो वेट का कितना होगा। यार बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बच्चों फार्मूला होता है न्यू एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एन से मुराद ऑफ कोर्स नॉर्मल ऑफ रिएक्शन, जो के बराबर बेटा किसके होता है एम जी के। तो यहाँ मैंने एम जी रख दिया, लेकिन बच्चे हमें तो कंपैरिजन करना है ना दो का। तो न्यू वन मैं मान लूँगा कोएफिशिएंट किसका, ड्राई रोड का, और न्यू टू ले लूँगा वेट रोड का। मुझे न्यू टू निकालना है इन द टर्म ऑफ न्यू वन, क्योंकि देखो ऐसे हमें ऑप्शन दिए हैं मैं आंसर बहुत सारे। अब करूँगा मैं क्या, कंपैरिजन करने के लिए मैंने ये इसको न्यू वन एम जी, न्यू टू एम जी, और जब दो हो गए तो देखो वेलोसिटी भी दो हो जाएंगी। हाँ एम आर और एम जी तो बराबर होगा, तो ये देखो एम जी कट गया, एम आर ये आ गया वी वन अपॉन वी टू का स्क्वायर। वी वन बच्चे शुरू में ही देखो हमें 10 दी हुई है, वी टू 5√2 दी हुई है, ये पुट करी और सॉल्व हो गया। तो बच्चों न्यू वन अपॉन न्यू टू आ गया 2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो न्यू वन हो जाएगा 2 न्यू टू, हमें तो न्यू टू निकालना है ना इन द टर्म्स ऑफ न्यू वन, तो हो जाएगा न्यू वन अपॉन 2, न्यू वन अपॉन 2, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।